हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मॉर्निंग के 8:30 के बाद का ही टाइम हो रहा था जस्ट मैं बेटे को स्कूल छोड़ करके आई थी एट फिफ्टीन पर मैं चली गई थी उसको स्कूल छोड़ने के लिए और जस्ट मैं घर अंदर ही पहुंच रही थी तो बाहर का वेदर जो था ना सुबह से इतनी ज़्यादा कड़क वाली ठंड हो रही थी ना मतलब हाथ पैर ना ठंड से फूल रहे थे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी पहले तो मैंने सोचा कि बेटू की छुट्टी करा देती हूँ बट फिर वो पीछे सिलेबस वगैरह रह जाता है ना तो उसकी बहुत दिक्कत हो जाती है फिर और वैसे भी अभी ये उसकी तबीयत खराब चली थी तो उसकी दो तीन छुट्टियाँ हो गई थी अगर वो नहीं होती तो मैं पक्का से आज करा देती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और उसके बाद टी तो मुझे बनानी नहीं थी क्योंकि मनीष गए हुए हैं आज मंडे है मंडे को आना था उनको मतलब आज इवनिंग तक वो आ जाएंगे इवनिंग या नाइट हो जाएगी उनको सात आठ या आठ बजे के आठ बज ही जाएंगे मुझे लगता आते आते तो फिर टी बनानी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिए अपने लिए वार्म वाटर लिया था मतलब हल्का सा ल्यूक वार्म था तो वही मैं पी रही थी क्योंकि बाहर से आई थी ना इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना वही हाथ तो थे ही नहीं मैंने हाथ भी थोड़े से सेक लिए थे इतनी ज़्यादा ठंड थी और बच्चे के लिए तो आप समझ ही सकते हो और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी बाहर और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना गुनगुना पानी पिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रश करने लग गई थी वॉक करते करते ब्रश कर रही थी और अकेली थी घर में इधर से उधर घूम रही थी उधर से इधर घूम रही थी कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था वैसे तो मनीष वैसे ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अकेली ही रहती थी ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम रही हूँ बट हाँ अभी काफ़ी टाइम से उनका वर्क फ्राम होम चल रहा था तो मतलब एक हैबिट सी हो जाती है और मैं बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर उनको मिस कर रही थी कि एक तो फर्स्ट टाइम ही मैं उसको को स्कूल छोड़ने के लिए अकेले गई थी सुबह के टाइम हमेशा से वही जाते थे बट आज मैं गई थी और उसके बाद फिर ब्रश वश करके मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए थे फ्रूट्स में पपाया था डेट्स थी और गुआा था और हाफ एप्पल था हाफ गुआ था और बस मैंने उसके बाद अपना फ्रूट्स वगैरह इंजॉय करा उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई क्लीनिंग वगैरह पे और वैसे भी ना आजकल के जो दिन जो है वो इतनी छुटकियों में भागता है ना मतलब एक घंटे का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता मुझे तो फिर आज मेरे को लेने भी जाना था बेटू को और मतलब सारे काम खुद से ही करने थे अकेले और बहुत ही ज़्यादा ढीला ढीला आज मैं काम कर रही थी क्योंकि मतलब अकेले सी फील कर रही थी पूरे घर में ऐसे लग रहा था कि यार मैं अकेली सी हूँ तो बिल्कुल अच्छा लग ही नहीं रहा था दो दिन से और फाइनली आज मनीष ने आना है तो थोड़ा सा ये होप अच्छी लग रही थी कि यारे आज यार शाम तक आ ही जाएंगे रात तक आ ही जाएंगे तो फिर मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी बेड वगैरह मैंने <coughs> मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ वाड़ लिया था बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ ली थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मतलब क्विल्ट वगैरह भी अच्छे से सेट वेट करके रख दी थी और बाहर का सोफ़ा तो आपने देखा ही होगा बिल्कुल क्लीन ही पड़ा था क्योंकि मनीष ही उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब यूज़ तो हम सब करते हैं बट उनका बैठने का स्टाइल ना थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि पूरी चीज़ों को ना थोड़ा सा वो मैसी करके बैठते हैं मतलब जैसे सोफ़े पर बैठेंगे तो उसकी सीट्स वगैरह ना पूरी आगे को खिसका करके बैठेंगे मतलब बैक साइड पर ना बहुत प्रेशर दे करके बैठते हैं और चीज़ों को आगे ले आते हैं मतलब इस तरह से वो बैठते हैं और बेडशीट वगैरह में भी उन्हीं का ही ऐसे रहता है कि वो एकदम पीछे से टेक लगा करके बैठते हैं ना तो वो पूरी बेडशीट भी खींच जाती है आगे की साइड तो थोड़ा सा उनका बैठने का तरीका है ना वो उसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मैसी सा हो जाता है और हम दोनों थे घर पे और बच्चे का भी ये होता है कि देखता है ना कि एकदम क्लीन है तो वो भी क्लीनिंग मेरी बेटी का ऐसे है कि मतलब अगर क्लीन क्लीन सा सब कुछ है ना तो वो भी क्लीनिंग उस दिन मेनटेन करेगी अब जहाँ उसको भी लगता है ना कि हाँ ठीक है सब ऐसे ही चल रहा है तो वो भी अपने फ्लो में आ जाती है फिर पापा के साथ तो उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी और सोफ़ा तो बिल्कुल सेट ही पड़ा था एक बार हल्का सा इसमें मतलब देख लूँगी कुछ झाड़ने वाड़ने का लगेगा तो वो डस्टर है ना उससे फटाफट घुमा करके क्लीन कर लूँगी और बाकी जो तो सेट ही पड़ा था मतलब देख सकते हो आपकी क्वेश्चन भी ना बिल्कुल अपनी जगह पर सेट अरेंज पड़े हुए हैं मतलब जेंट्स और लेडीज़ के में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है बैठने के एंड ऐसा बिल्कुल भी हर जेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे जेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लेंड और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अरेंज मेंटेन करने वाले होते हैं मतलब ये जो है ये बिल्कुल ऐसा जेंट्स और लेडीज़ वाली बात नहीं है बात ये होती है कि मतलब कुछ लोगों को थोड़ा सा मैसी और एकदम ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है और किसी चीज़ कुछ को थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है कि हर चीज़ एकदम अरेंज रहनी चाहिए घर पर तो मेरे को लगता है कि मतलब हम घर पर रहते हैं तो सारी चीज़ें ना एकदम अरेंज और सेट सेट सी रहनी चाहिए स्पेशली क्लिनिंग करने के बाद तो मेरे को लगता है यार एटलीस्ट शाम तक तो थोड़ा ऐसे ही अच्छे से सेट रहने दो ना क्योंकि सुबह शाम का ही टाइम होता है जो कि हम थोड़ा सा बाहर आते जाते हैं और मतलब होता है ना कि किसी से मिलना होता है तो शाम का प्लान हम बनाते हैं या फिर तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगता है कि शाम तक यार थोड़ा सा सेट वेट घर रहना चाहिए बाकी हर किसी का अपना रहने का अलग स्टाइल होता है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फ्री थी मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और काफी दिन से मेरे को ये ड्रेसिंग जो थी वो आपने देखा ही होगा जो इसके ड्रॉजेस थे वो इतने ओवरफ्लो से हो रहे

तो मैं सोच ही रही थी काफ़ी दिन से कि क्लीन करूँगी 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 बट डेली रूटीन में जो क्लीनिंग चलती रहती है ना तो जो ये वाले पेंडिंग काम हो जाते हैं ना वो पेंडिंग रह जाते हैं तो जब मनीष की चलती है मीटिंग वो मेरे को एकदम बंद कर देते हैं अंदर पैक कर देते हैं तब मैं ये फालतू वाले जो काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले डेली रूटीन से हट के वो मैं निकालती हूँ तो आज मनीष भी थे नहीं मैं अकेली थी और मेरे को ऐसा कुछ खाने वाने का भी कुछ हैवी ऐसा बनाना नहीं था मॉर्निंग में मैंने हल्के फुल्के ऐसी जीरा आलू टाइप कुछ बना लिया था वैसे मुझे आलू वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट कुछ रखा ही नहीं हुआ था तो मैंने बना लिया था तो वही फिर अब मैं दोबारा अभी जो भी हमारा ब्रंच व्रंच होगा बेटू आएगी तो तभी मैं एक ही साथ बनाने वाली थी मुझे भूख भी नहीं लग रही थी कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था फ्रूट्स मैंने खा लिए थे तो उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई थी सीधा तो फिर मैंने अपना ये ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से जो था वो फैला लिया था मैंने कहा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ चीजों को अरेंज कर देती हूँ और बेटू की इतनी सारी इसमें नोटबुक्स रखी हुई है कितनी सारी नोटबुक्स जो है वो मतलब भर चुकी हैं उनमें बिल्कुल भी अब पेजेस वगैरह कुछ स्पेस था नहीं बट स्टिल रखी रह जाती है रखी रह जाती हैं तो चीज़ों को निकालो ना ना तो फिर स्टोरेज की जगह बहुत कम पड़ जाती है तो जो उसके एक्स्ट्रा नोटबुक्स वगैरह थी वो मैंने निकाल दी थी और जो दूसरा वाला जो ड्रॉज था उसके अंदर कुछ मतलब जो एक्स्ट्रा सोप्स होते हैं एक्स्ट्रा टूथपेस्ट होते हैं वो रखे हुए थे अभी हम एक साथ गए थे ना रिलायंस रिलायंस से हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी शॉपिंग ग्रॉसरी की करी थी तो वहाँ पर कुछ ऑफर चल रहा था टूथपेस्ट पर कि थ्री लेने पर वन का जो ये बॉक्स है ये फ्री था या फिर टू लेने पर एक साथ में कुछ फ्री था तो मतलब दो तीन ले लिए थे तो उसके चक्कर में काफ़ी सारी और एक बॉक्स के अंदर दो कोलगेट्स थी मतलब टूथपेस्ट था पता नहीं कोलगेट है या क्लोजअप है ये मुझे अभी एक ध्यान नहीं आ रहा आई थिंक क्लोजअप है तो और एक उसमें थी दंत क्रांति भी क्योंकि मनीष को दंत क्रांति करना पसंद है और जो मेरी बेटी है उसको वो खा थोड़ा सा ब्रश करने में ना उसको तीखापन सा लगता है दंत क्रांति में तो वो करती नहीं है तो उसके लिए ये रेड कलर की पेस्ट ली हुई थी जो कि थोड़ा सा माइल्ड लगती है ना तो उसके लिए ये वाली ली हुई थी और मनीष अपने लिए वो ले के आए थे दंत क्रांति तो इसलिए थोड़ा अलग अलग फ्लेवर की चीज़ें रखी रहती हैं घर पर सोप भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैं जो भी लाऊँगी मनीष कई बार उससे हट करके लेकर आते हैं क्योंकि जैसे हम कई बार होते हैं ना कि एक सेट ले के आते हैं पूरा और एक पेयर पूरा सेट के अंदर तीन से चार सोप के पीसेज होते हैं तो उनका ये होता है वो एक बार यूज़ करते हैं फिर सेकेंड टाइम बोलेंगे कि यार ये अच्छा नहीं है मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं अपने लिए दूसरा लेकर के आऊँगा तो वो पहले वाले रखे रह, रह जाते हैं और वो दूसरे दूसरी चीज़ें और ले कर के आते रहते हैं और ये देखो एक ब्रॉज में कितना सारा सामान भरा हुआ था मतलब जो अन जो होते हैं ना खाली रैपर्स वगैरह वो भी उसके अंदर डाले हुए थे तभी उसमें स्पेस ही नहीं रहता देखना अभी कितना सारा जो है इसमें से एक्स्ट्रा मतलब कूड़ा वगैरह मैं निकालूंगी जो कि एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था जब एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं तो फिर काम

थी नहीं वैसे बट हाँ फिर भी मैंने ना थोड़ा सा चेक करके रखी थी ऑलमोस्ट सबकी डेट थी जो वो ट्वेंटी थ्री एंड तक की थी या फिर किसी किसी की ट्वेंटी फोर थी और ये देखिए यहाँ पे कितने सारा पूरा पॉली बैग भर चुका है इतना सारा इसमें से मतलब ये गारबेज बोल सकते हो मतलब एक्स्ट्रा सामान बोल सकते हो वो निकला है तो फिर ये सारा मैं क्लीन कर दूँगी वैसे तो मेरे को ये झाड़ू लगाने से पहले क्लीन करना चाहिए था बट झाड़ू मैं लगा चुकी थी तो उसके बाद मेरा प्लान बना कि मैं आज इसको ड्रेसिंग को क्लीन कर देती हूँ तो फिर मैंने बाद में कर दिया था कोई बात नहीं फ्री थी अभी काफ़ी टाइम था बेटू को लाने के लिए भी तो फिर ऐसे ही काम चल रहा था मेरा अच्छे से मैंने ये कॉलिन वगैरह से भी क्लीन कर दिए थे और इसके अंदर के भी जो बॉक्सेस थे वो सारे मैंने आज कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिए थे बाकी जो थोड़ा सा पुराना हो जाता है ना फर्नीचर तो बहुत ज़्यादा मतलब आफ्टर बिफोर का उतना समझ नहीं आता जैसे होता है ना कि थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा पेंट वग़ैरह भी थोड़ा लाइट होने लगता है और उसके बाद फिर यहाँ पर आए थे अमेजोन से रिटर्न पिकअप जो होती है ना वो मैंने वो मंगवाए थे ना टाइप एक्सटेंशन जो कि आए नहीं थे टैप पे सेट ही नहीं हो पाए थे तो उसकी पिकअप थी तो वो देने के लिए मैं बाहर गई थी वो दे करके आ गई थी और उसके बाद वापस मैं अपने काम पे लग गई थी मिरर्स वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे आज तो इतनी ज़्यादा मुंह से भी जैसे हमारे मुंह से स्टीम आती है ना विंटर्स में जब हम ऐसे मतलब एकदम थोड़ा सा ब्रीथ आउट करते हैं तो मिरर के ऊपर फिर उसके ऊपर एकदम स्टीम सी आ जाती है फिर हम सर्कल्स या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से मैं करके देख रही थी कैमरे में उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा बट हाँ मिरर्स में ना बहुत ही ज़्यादा स्टीम निकल रही थी और सारे फिर यहाँ पे मैंने जो मिरर्स थे वो भी अच्छे से क्लीन कर दिए थे और डस्टिंग वगैरह भी मैंने सारी अच्छे से कर दी थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी झाड़ू वो पोछा वगैरह लगाने के लिए क्योंकि क्लीनिंग डस्टिंग जो थी वो मैंने सारी कर दी थी वो सारी मैंने ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि आई एम सॉरी कोई आ गया था तो मेरे को वॉइस ओवर जो था वो ब्रेक करना पड़ा वहाँ पे और हो जाता है मोस्टली इस टाइम पे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ पक्का से कोई ना कोई आता है डोरबेल बजती ही है तो कोई बात नहीं ये सब तो, तो चलता रहता है और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉपिंग करने के लिए आ गई थी क्लीनिंग का काम जो था वो ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था डस्टिंग वगैरह मैंने पूरे घर की कर दी थी डस्टिंग वैसे ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि डेली बेसिस पे होती है ना कोई भी काम अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि कभी कभार जैसे हम करते हैं ना तो डस्ट की काफ़ी थिक सी लेयर सी आ जाती है तो उसको क्लीन करने में टाइम लगता है अभी डेली की डेली क्लीन होता रहता है तो उसमें ऐसी कुछ नहीं होता हल्का सा सिर्फ कपड़ा भी घुमाओ तो क्लीन हो जाता है जल्दी से और उसके साथ फिर यहाँ पे मैंने मॉपिंग वगैरह भी कर दी थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी मैंने नीचे से भी लेयरिंग करी थी मतलब नीचे से भी मैंने जो फैदर वाली कपड़े होते हैं ना काफ़ी मोटे मोटे से जिसमें बिल्कुल भी ठंड ना लगे वो भी पहन रखा था उसके ऊपर से फिर मैंने ये रेड कलर की जैकेट भी पहनी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वार्म है सुबह मैं उठी थी ना मेरे को इतनी तेज़ ठंड लग रही थी क्विल्ट से मैं उठी थी जैसे हम पूरी रात सोते हैं तो एकदम हीट हीट सी रखती है जैसे ही मैंने नीचे पैर रखा इतनी ज़्यादा ठंड और अलार्म बच गया था मेरा छः बजे से बज रहा था साढ़े छः बजे तक उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी मैं बाहर की साइड देख रही थी जैसे बेडरूम के कर्टन्स के मतलब पीछे की साइड से दिखता है ना तो मेरे को बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था इतनी ज़्यादा फॉग हो रही थी सुबह इतनी ज़्यादा फॉग हो रही थी कि पहले ना मैं सोचती रही मतलब पौने सात बजे तक मतलब साढ़े छः पौने सात बजे तक मैं सोच रही थी कि मैं आज भेजूँ या नहीं भेजूँ क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता तो मतलब तबीयत ख़राब ना हो जाए वैसे भी अभी बीच में इसकी बेटू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चली थी और फिर मतलब मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या तो फिर फाइनली मैंने उसको भेज दिया था फिर क्योंकि दिक्कत ही हो जाती है बाद में कि सिलेबस वग़ैरह पीछे रह जाता है तो फिर फिर अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी मॉपिंग वगैरह भी हो गई थी और इसके बाद फिर जो जो हैंड वॉशर वाली बॉटल होती है ना मतलब पंप होता है उसके अंदर रिफिल मैं कर रही थी डिटॉल का जो हैंड वॉश होता है वो रिफिल कर रही थी वो फिनिश हो गया था वॉशरूम में तो साथ के साथ अभी मैंने ड्रेसिंग क्लीन करा था ना उसी के अंदर मेरे को ये रिफ़िल पाउच मिला था तो ख़त्म होने ही वाला था तो मैंने उसके अंदर से इसको रिफिल कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था अब नहाने के लिए जाना था मुझे नहाने का बिल्कुल मन तो कर नहीं रहा था बट हाँ अभी स्कूल जाना है बैठू के तो फिर मतलब बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो कर के आ गई थी हेयर वॉश मैंने नहीं करा था क्योंकि अभी परसों ही आई थिंक मैंने हेयर वॉश करा था तो फिर हेयर वॉश तो नहीं करा कर था वैसे भी हेयर्स विंटर्स में ज़्यादा वॉश करने से ना मुझे सर दर्द होता है बहुत ही तेज़ तो हेयर वॉश मैंने नहीं करा कर था और नहा करके मैं फटाफट आ गई थी मेरे को जाना था बेटू को लेने के लिए स्कूल यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर रही थी स्किन केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करा कर था सिर्फ मैंने टोनर अप्लाई करा था और उसके बाद निविया की जो सॉफ्ट क्रीम होती है ना वो यूज़ करी थी मेरे को ना बहुत ज़्यादा फेस पे डीप मॉइस्चराइजर मतलब यूज़ करने की नीड होती नहीं है जैसे होता है ना कि सीरम्स वगैरह भी कुछ लोग यूज़ करते हैं बट मुझे ऐसी कोई स्पेशल नीड होती नहीं है क्योंकि नहाने से पहले ना मैं फेस को अच्छे से कोकोनट ऑयल से मतलब अच्छे से मसाज कर लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ना मेरे को ड्राइनेस वगैरह की प्रॉब्लम होती नहीं है और वैसे भी मेरी ऑयली स्किन है ऑयली स्किन है लेकिन इतनी ज़्यादा ऑयली ही तो किसी की भी नहीं रहती विंटर्स में कि उसको मॉइस्चराइजर की नीड ना पड़े तो इसलिए हाँ मैं हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ और बस उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी वेडी हो गई थी हल्की सी लिपस्टिक और थोड़ा सा काजल और डी तो मेरा फेवरेट है मतलब मेरे को नहाने के बाद डी तो स्प्रे बॉडी में करना ही होता है एक फ्रेश सी फ्रेगनेंस आती है ना तो अच्छा फील होता है आपको भी और आपके सामने भी जो भी कोई होगा या फिर जिससे भी आप मिलते हो तो एक हमेशा अच्छी फ्रेगनेंस और अच्छी स्मेल आना मतलब अच्छी फ्रेगनेंस बोल सकते हैं स्मेल नहीं अच्छा अच्छी फ्रेगनेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मुझे अच्छा लगता है बाकी हर किसी का अपना टेस्ट होता है किसी किसी को सर दर्द भी होता है मतलब डीओ वगैरह लगा करके तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लगाती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बेटों को स्कूल लेने के लिए पहुंच गई थी और हल्की सी ऐसे लग रहा था कि धूप निकल जाएगी निकल जाएगी एक तो बच चुके थे बट निकली नहीं थी बिल्कुल ठंडी सी धूप थी और बेटों को मैं बाहर लेकर के आई वैसे तो उसने कैप लगाई हुई थी लेकिन उसने अपनी फ्रेंड को देखा ना कि उसने नहीं लगा रखी तो उसने भी उतार दी थी और फ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करते हुए आ रही थी मतलब अच्छा लगता है उसको उसके साथ बैठना नहीं होता उसका क्लास में क्योंकि उसकी सीट अलग है और इसकी सीट अलग है दोनों को ना मैम ने अलग अलग बैठा रखा है क्योंकि सिटिंग प्लान जो होता है वो चेंज होता रहता है बच्चों का तो फिर छुट्टी के टाइम पे उससे मिलती है ना तो दोनों बच्चे जो हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं साथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करा क्योंकि मेमरी तरह रहेगा साथ में और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम घर और सीधा आई थी मैं किचन में क्योंकि मेरे को भी बहुत तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हुए थे और बेटू के लिए भी मुझे कुछ बनाना था और यहाँ पे देखो इसकी मस्ती कैसे चल रही है तो यहाँ पे फिर मैं गर्मा गर्म चपातियाँ सेक रही थी सब्जी मैंने मॉर्निंग में ही बना दी थी बेटू के लिए बनाई थी ना तो मतलब फिर वही थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना दी थी क्योंकि इतनी सब्जी तो वो लेकर के जाती नहीं है और चपातियाँ भी ज़्यादा बनानी नहीं थी सिर्फ दो या तीन चपातियाँ ही मेरे को बनानी थी और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चपातियाँ वगैरह भी सेक दी थी और बस अब बेटू के ड्रेस वगैरह चेंज करके हम लंच करने के लिए बैठेंगे गर्मा गर्म चपातियाँ हो जाएंगी और सब्ज़ी को भी मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था तवे पे रखने से ना सब्ज़ी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब गर्म हो जाती है तो इसलिए मैं चपातियाँ वगैरह बनाती हूँ ना तो डायरेक्ट सब्ज़ी रख देती हूँ उसके ऊपर और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए छाछ डाल दी थी छाछ ली थी ये देखो ये रही छाछ और इसके बिना तो मेरा लंच होता ही नहीं है आपको सबको पता ही है मैं क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ और इसमें फिर मैंने थोड़ी सी जो बूंदी होती है ना रायते के जैसे वो डाल देती हूँ मुझे अच्छी लगती है और उसमें डाला सा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और यहाँ पे मेरा लंच जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था और आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक रखती हूँ आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स बाय बाय